I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. तो कॉलेज के अंदर घुसते से ही आपको राइट में एक हॉस्पिटल मिलेगा जो कि कॉलेज के कैंपस के अंदर ही है, और सीधे सीधे हमारा एकेडमिक वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ काउंसलिंग भी उसी एरिया पे होगा। और घुसते से ही सामने एक पुलिस थाना है जिसका क्या यूज़ है अभी तक पता नहीं चला है। और सामने सामने जाते से ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, इसके अंदर का व्यू आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अंदर के व्यू में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर ही आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस चालू होंगे, यहीं पर ही आपको बैठना होगा, यहाँ पर ही आपको नोटिस बोर्ड में सारे फॉर्म्स क्या क्या चाहिए वो सब बता दिया जाएगा और अंदर ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको बैठना है और फॉर्म सबमिट करने हैं अपने। फिर यहाँ से लेफ्ट लेते से ही हमें जहाँ पर पढ़ाया जाता है वो वाला जगह मिलेगा। यहाँ से लेफ्ट लेते से ही सामने की ओर जाएंगे तो फिर हमें डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी मिलता है जहाँ पर अलग से कैडेवर्स का सब रखा रहता है। और ये लिफ्ट है जहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर के और अलग फ्लोर्स हैं जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। फिर ये ऊपर चढ़ते से ही फर्स्ट फ्लोर में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी है, और ये फिजियोलॉजी का अंदर का व्यू आपको दिखा देता हूँ। अंदर के व्यू में आपको यहीं पर ही बैठ के पढ़ना है, AC क्लासरूम्स हैं और हाईटेक TV सिस्टम सब चीज़ लगा हुआ है, तो आपके लिए और हाईटेक बना के रखा है गवर्नमेंट ने। और ये BP मेजर करते 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 हमारा पेशेंट ही परेशान हो गया था हमसे, पर कोई ना। खैर ये थे हमारे क्लासरूम के थोड़े से कुछ ग्लिम्सेस। फिर एकेडमिक ब्लॉक के जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको अंदर से लेफ्ट में कैंटीन मिल जाएगा। कैंटीन के अंदर घुसते से कैंटीन का खाना मैं बता रहा हूँ बहुत सही है, यदि आप मंगाते तो अलग से मसाला डोसा बहुत कुछ इसका अच्छा है, तो आप ट्राई कीजिएगा कभी यदि आप यहाँ पर आते हैं तो। फिर कैंटीन के जस्ट पीछे एक जूस सेंटर भी खुला हुआ है, उसमें आप जूस मंगा सकते हैं जैसा भी आप चाहें वैसा जूस अच्छा है और आपके सामने ही फ्रेश फ्रेश वो बनाते हैं तो और मज़ा आता है। खैर दिखने में तो जूस बहुत सही लगता है जैसा कि आप देख सकते हैं, और पीने में भी था। खैर आगे बढ़ते हुए हमने एकेडमिक ब्लॉक का अंदर का तो व्यू देख ही लिया है, थोड़ा बहुत ग्लिम्स तो पता ही चल गया होगा अब आपको। आगे बढ़ते से यहाँ से आप यदि लेफ्ट लेंगे तो आपको एकेडमिक ब्लॉक मिल जाएगा, और आगे लाइब्रेरी है। जस्ट लाइब्रेरी का अंदर का व्यू ज़्यादा नहीं दिखा सकते तो यही है थोड़ा बहुत बाहर से जो आप देख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते ही लाइब्रेरी के जस्ट आगे जिम है और उसके आगे टेबल टेनिस कोर्ट है, तो आप टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। ये कुछ मैचेस है टेबल टेनिस के जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें मैचेस आप खेल सकते हैं, अलग से चैम्पियनशिप्स होती हैं, लड़कियां भी खेलती हैं इसमें और बहुत सारी लड़कियां ज्वाइन भी करती हैं। और ये कुछ अच्छे व्यूज ऑफ हर गेम सी रतलाम। एनीवेज आगे बढ़ते हुए हम अपन लोग हॉस्पिटल वाला साइड देखते हैं। ये हमारा ऑडिटोरियम है हॉस्पिटल के जस्ट पास में ही, रिनोवेट हो रहा है थोड़ा सा। और ये हॉस्पिटल का OPD सेक्शन है जिसमें आप नॉर्मल बीमारी या फिर स्किन इन्फेक्शन या कुछ भी हो तो आप दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे गेट नंबर 2 में, वो पहले वाला गेट नंबर 1 था, ये गेट नंबर 2 में आपका ICU सब मिल जाता है। तो इसके अंदर का मैं हॉस्पिटल का सारा जो व्लॉग है वो अलग ही वीडियो में बनाऊँगा, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हॉस्पिटल भी कैसा है। ये अभी फ़िलहाल के लिए ये ओवरव्यू है बाहर से। बाकी ये हमारा सांची वाला एरिया जहाँ से हमें नॉर्मल ग्रोसरीज मिल जाते हैं, दूध वूध चाहिए तो हम ले सकते हैं। फिर ये गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में आप ठहर सकते हैं चाहिए तो जब आप काउंसलिंग के टाइम में आएंगे। और यहाँ पर ही स्टेट बैंक भी है, आप चाहिए तो यहाँ से पैसा भी निकाल सकते हैं। ये बॉयज़ हॉस्टल और ये एक बास्केटबॉल कोर्ट, ऑडिटोरियम और वो रेसिडेंट हाउस। क्रिकेट तो बहुत ही चलता है, हर जगह ही चलता है, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स तो होते हैं। क्रिकेट का तो अलग ही टूर्नामेंट होता है जैसे कि आप देख सकते हैं, सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में भी कंपटीशन होता है। फिर सारे हॉस्टल के जो ब्लॉक्स हैं,
चाहिए तो आप पहले मैंने बना चुका है इसका वीडियो, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप देख सकते हैं सारे हॉस्टल का इंटीरियर, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और नर्स हॉस्टल सबका इंटीरियर कवर किया है मैंने उसमें। सो दैट्स ऑल अबाउट GMC रतलाम कैंपस। होपफुली आपको इससे थोड़ा सा हेल्प मिला हो और शायद से आपको हमारा कॉलेज थोड़ा सा और पसंद आया हो।